नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे और डालते हैं खबरों पर नजर। क्यों नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर तक जो लोग लारी गल्ला करके अपना जीवन चला रहे थे, उन लोगों की सरदार सरोवर नर्मदा निगम द्वारा रोजगार छीन लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज इन सभी लोगों ने एक रैली निकाली। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर जो लोग वापस जा रहे थे, उन सभी प्रवासियों से इन लोगों ने रास्ते पर भीख मांगी और कहा कि हमारा रोजगार छीन लिया गया है, हमें भीख दीजिए। हालांकि इस रैली के निकलते ही पुलिस तंत्र सजग हो गया था और चुस्त दुरुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ यह रैली श्रेष्ठ भारत भवन तक भीख मांगते मांगते पहुंची थी। इस रैली के बारे में गरीब मजदूरों का क्या कहना था, आइए वह सुनते हैं। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा निगम द्वारा केवड़िया कॉलोनी से स्टेच्यू यूनिटी के परिसर पर जो लोग लारी गल्ला करके अपना जीवन गुजरान चला रहे थे, उन लोगों को आज सरदार सरोवर नर्मदा निगम द्वारा उनकी रोजगारी छीन गई है, जिसके लिए वो आज बेरोजगार बने हैं और वो आज भीख मांगने के लिए निकले हैं। आज यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो महिलाएं हैं वो भीख मांग कर अपना जीवन गुजरान चलाने के लिए निकली है। हालांकि उन्होंने रैली योजी थी, जहां से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर देखने आ रहे सभी प्रवासियों के साथ उन्होंने भीख मांगी थी और उन्होंने कहा था कि हमारी रोजगारी छीन गई है, हमको पैसे दो। सरदार सरोवर नर्मदा निगम द्वारा हालांकि यह उनके बेरोजगार उनको बेरोजगार बनाया गया है और उनके लिए अभी तक दूसरा कोई विकल्प भी नहीं दिया गया। इंडिया खबर लाइव से गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। वहीवटी तंत्र द्वारा अमारी रोजगारी खोरवाई छे अने रोजगारी ने जे लाड़ी गल्ला तोड़फर करवामां आव्या छे एना हिसाबे हवे अमारी रोजगारी बंद थई गई छे अने रोजगारी बंद थवाना कारणे अमे अमारो घरनुं गुजरान करी शकता नथी अने एना लीधे अमे आजे भीख मांगवा माटे आ रेली काढी छे। अमे छे ने रोजगारी करीने धंधो करता हता, पापड़ीनो लोट, मकई, तो હવે લારી ગલ્લા અમારા તોડી લખ્યા તો અમે બાળ બચ્ચોને કેવી રીતે પોષણ કરીએ, એટલે ભીખ માંગીને અમે પોષણ કરીશું, એટલે એટલા માટે અમે ભીખ માંગવા